वेलकम टू स्टडी कट दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मंथली करेंट अफेयर्स को, जिसमें हम सितंबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड्स 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? आंसर हो जाएगा एनिमल को। तो अभी हाल ही में 24वें आईफा अवार्ड 2024 का आयोजन अबू धाबी यूएई में किया गया है। तो इसमें 2024 के आईफा अवार्ड प्रदान किए गए हैं। आईफा की बात हुई है तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड। तो यह भारतीय फिल्मों के लिए हर साल प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत सन 2000 से हुई थी और हर साल दुनिया भर के अलग अलग शहरों में यह समारोह आयोजित किया जाता है। दोस्तों 2024 के आईफा अवार्ड समारोह के होस्ट कौन थे? शाहरुख खान, करण जौहर और विकी कौशल। अगला जो आईफा अवार्ड समारोह होगा ये जयपुर राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। अब हम आईफा अवार्ड 2024 के विनर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है एनिमल को और इसके डायरेक्टर कौन है? संदीप रेड्डी बांगा। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे फिल्म के लिए। इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है विधु विनोद चोपड़ा को 12th फेल फिल्म के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है अनिल कपूर को एनिमल के लिए और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है शबाना आजमी को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। इसके अलावा दोस्तों बेस्ट एक्टर नेगेटिव रोल का अवार्ड मिला है बॉबी देओल को एनिमल फिल्म के लिए और बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिला है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को। बेस्ट स्टोरी एडाप्टेड का अवार्ड मिला है 12th फेल को और बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिला है एनिमल फिल्म को। बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला है सिद्धार्थ गरिमा को एनिमल के सतरंगा के लिए और बेस्ट सिंगर मेल का अवार्ड मिला है भूपेंद्र बब्बल को एनिमल के अर्जन बैली के लिए। इसके अलावा बेस्ट सिंगर फीमेल का अवार्ड मिला है शिल्पा राव को जबान फिल्म की चलिया के लिए। इसके अलावा दोस्तों भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है जयंती लाल गड़ा और हेमा मालिनी जी को। सिनेमा में 25 साल पूरे करने के लिए पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? करण जौहर को। तो ये है आईफा अवार्ड 2024 के विजेता। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप 2024 का टाइटल किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। तो डूरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड कप है। तो 2024 का जो फाइनल मुकाबला हुआ था ये मोहन बागान और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम के बीच हुआ था। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने मोहन बागान को 4-3 से हरा दिया था। फाइनल मुकाबला कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में हुआ था। डूरंड कप की बात करें तो इसका पहला आयोजन 1888 में हुआ था, यानी कि यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। 2023 का टाइटल किसने जीता था? आपको याद रखना है मोहन बागान की टीम ने। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? आंसर हो जाएगा 29 मेडल। दोस्तों पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन फ्रांस में किया गया था और इस पैरालंपिक में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और कुल 29 मेडल जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल हैं। भारत मेडल टैली में 18वें स्थान पर रहा है। देखिए जो 2020 के टोक्यो पैरालंपिक हुए थे उसमें भारत ने 5 गोल्ड के साथ 19 मेडल जीते थे, लेकिन इस बार भारत ने उससे 10 मेडल अधिक जीते हैं। प्रीति पाल और हरविंदर सिंह पेरिस पैरालंपिक खेलों के समापन समारोह में ध्वजवाहक बनाए गए थे। इस पॉइंट को आप जरूर नोट करें। देखिए पेरिस पैरालंपिक 2024 में मेडल विनर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। तो 7 गोल्ड मिले हैं। तो शूटिंग में अवनी लेखरा को, बैडमिंटन में नितेश कुमार को, एथलेटिक्स में सुमित अंतिल को, आर्चरी में हरविंदर सिंह, एथलेटिक्स में धर्मवीर सिंह, हाई जंप में प्रवीण कुमार और जेवलिन थ्रो में नवदीप को गोल्ड मेडल मिला है। दोस्तों सिल्वर मेडल 9 मिले हैं। तो चलिए देखते हैं किसको मिला है सिल्वर मेडल। तो शूटिंग में मनीष नरवाल, एथलेटिक्स में निषाद कुमार, एथलेटिक्स में योगेश कथुनिया, बैडमिंटन में थुला सिमथी मुरुगेशन, बैडमिंटन में सुहास यथिराज, एथलेटिक्स में अजीत सिंह यादव, एथलेटिक्स में शरद कुमार, एथलेटिक्स में सचिन खिलारी
और एथलेटिक्स में ही प्रणव सूरमा को सिल्वर मेडल हासिल हुआ है। दोस्तों अब हम बात करते हैं ब्रॉन्ज मेडल की, तो 13 ब्रॉन्ज मेडल किसको मिले हैं ये डिस्कस करते हैं। तो शूटिंग में मोना अग्रवाल, एथलेटिक्स में प्रीति पाल और शूटिंग में रूबीना फ्रांसिस और एथलेटिक्स में प्रीति पाल, यानी प्रीति पाल को 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुए हैं। बैडमिंटन में मनीषा रामदास, तीरंदाजी में शीतल देवी और रमेश कुमार, बैडमिंटन में नित्या श्री सिवान, एथलेटिक्स में दीप्ति जीवांजी, एथलेटिक्स में मरियप्पन थंगावेलू, एथलेटिक्स में सुधीर गुर्जर, जूडो में कपिल परमार, शॉर्ट पुट में होकातो सैमा और एथलेटिक्स में सिमरन को ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? आंसर हो जाएगा आतिशी मार लेना। तो दोस्तों आतिशी मार लेना अब केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। उन्हें शपथ दिलाई है दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने। दोस्तों आतिशी मार लेना दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज, जो कि 1998 में चीफ मिनिस्टर बनी थी, और दूसरी महिला चीफ मिनिस्टर थी शीला दीक्षित, जो कि 3 बार CM रही हैं दिल्ली की। वो पहली बार 1998 में बनी थी और आतिशी 17 सितंबर 2024 को दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार किन 2 शहरों के बीच एक औद्योगिक शहर डेवलप करेगी? आंसर हो जाएगा झांसी और कानपुर। तो झांसी और कानपुर के बीच में एक नया औद्योगिक शहर डेवलप किया जाएगा उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। यह शहर 36,000 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा और यहाँ पर एक एयरपोर्ट भी होगा। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना शुरू की गई है। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नेपाल की सीमा पर मित्र वन स्थापित किया जाएगा। लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2000 करोड़ की लागत से एक बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत को लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो अभी हाल ही में समुद्र प्रताप नाम का भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया है। ठीक है, पहले की बात हुई है तो 2024 की प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। जैसे देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में की गई है। BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी। भारत की पहली ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु में की गई है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया है। समान नागरिकता संहिता कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर उड़ीसा में किया गया है। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहमान मैग्सेसे पुरस्कार 2024 कितने लोगों को प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका 5 लोगों को। तो दोस्तों एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रहमान मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के भी हाल ही में घोषणा की गई है और 2024 में 5 लोगों को प्रदान किया गया है। विजेता कौन कौन है? तो गुएन थी नॉक फुआंग जो कि वियतनाम के चिकित्सक हैं, और है फरविजा फरहान जो कि इंडोनेशिया से संबंधित हैं। तीसरा नाम है मिया जाकी हयायो जो कि जापान के हैं। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट जो कि थाईलैंड के चिकित्सकों का एक समूह है, इसे भी रहमान मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है 2024 का। और पांचवा नाम है कर्मा फुंटसो का जो कि भूटान से संबंधित हैं। तो इन 5 लोगों को रहमान मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों रहमान मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार है और यह 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। जनसेवा, सरकारी सेवा, पत्रकारिता, जनसंचार, सामुदायिक नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और यह पुरस्कार फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रहमान मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। दोस्तों आचार्य विनोबा भावे रहमान मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें 1958 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार के अंतर्गत स्वर्ण पदक और $50,000 की राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा NHPC लिमिटेड और SJVN लिमिटेड को। तो यानी इन दोनों कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी ए और बी दोनों। बात करते हैं SJVN लिमिटेड की, तो इसका फुल फॉर्म होता है
सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। इसका मुख्यालय है शिमला हिमाचल प्रदेश में और इसका काम होता है पानी से बिजली का निर्माण करना। NHPC लिमिटेड का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और इसका मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में है। यह भी पानी से बिजली का निर्माण करने वाली कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पास किया गया है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल की विधानसभा में एक एंटी रेप बिल पास किया गया है। इस बिल का नाम है अपराजिता महिला एवं बाल विकास विधेयक, यानी पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन बिल के नाम से भी इसे जाना जाएगा। इस नए कानून के तहत रेप के केस में 21 दिन में जांच पूरी की जाएगी। अगर रेप पीड़िता कोमा में चली जाती है या फिर उसकी मौत हो जाती है तो उसके दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा सुनाई जाएगी और गैंग रेप के दोषियों को सारी उम्र जेल में रहना पड़ेगा। तो ये इस कानून में बदलाव किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, राज्यपाल हैं CV आनंद बोस, चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी। यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? सिंगालीला, नेओराबेली, गोरुमारा, सुंदरबन और बक्सा टाइगर रिजर्व। तो ये सभी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित हैं? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस के बीच में। तो दोस्तों, वरुण नौसेना अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में अभी हाल ही में 2 से 4 सितंबर के बीच में भूमध्य सागर में आयोजित किया गया है। इस अभ्यास का पहला संस्करण 1993 में हुआ था। 2001 में इसका नाम वरुण कर दिया गया था। आपको याद रखना है कि भारत और फ्रांस के बीच में वरुण, गरुण और शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, यह लखनऊ में आयोजित किया गया है। दोस्तों, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 4 और 5 सितंबर 2024 को लखनऊ में स्थित मध्य कमान मुख्यालय में किया गया है। तो इसमें सशस्त्र बलों और रक्षा मंत्रालय के सर्वोच्च रैंक के अधिकारी शामिल हुए थे। दोस्तों, कुछ प्रमुख सम्मेलन भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आजकल सम्मेलन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक 2024 में नई दिल्ली में हुई है। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। खनिज शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में और डिजिटल फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन 2024 गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। वैश्विक दलहन सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में और भारत टेक्स 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो ये सम्मेलन भी आप नोट कर दें। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री मोदी किस देश की पहली यात्रा पर गए हैं? आंसर हो जाएगा ब्रुनेई। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ब्रुनेई की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। वो 3 सितंबर 2024 को ब्रुनेई की यात्रा पर गए थे। 2 दिन का उनका दौरा था। आपको याद रखना है कि दोनों देशों के बीच में, यानी भारत और ब्रुनेई के बीच में 2024 में राजनयिक संबंधों के 40 साल भी पूरे हो गए हैं। ब्रुनेई की बात करें तो यह एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। कैपिटल इसकी बंदर सेरी बेगवान है। सुल्तान और प्रधानमंत्री हैं हसनल बोलकिया और क्राउन प्रिंस हैं हाजी अल मोहतादी बिल्ला है और करेंसी है ब्रुनेई डॉलर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 3D वैदिक संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में एक वैदिक 3D संग्रहालय बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये वाराणसी में बनाया जाएगा। इस संग्रहालय को भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित किया गया है। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए आप स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर ले। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ईबुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट, टेस्ट पास, ये सभी मिल जाएगा। अच्छा, टेस्ट पास में क्या है? तो भारत में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए यहाँ पर टेस्ट मिल जाएंगे। इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। तो आप टेस्ट पास का यूज करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। इसके अलावा दोस्तों, जनवरी से सितंबर 2024 तक के करेंट अफेयर्स की ईबुक भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। जैसे ही आप ईबुक वाले सेक्शन पर जाएंगे आपको ये ईबुक मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 500 MCQs मिलेंगे करेंट अफेयर्स के, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले
सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं, तो उनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल। तो दोस्तों बेंगलुरु के रहने वाले हैं 49 साल के सिद्धार्थ अग्रवाल। तो उन्होंने अभी हाल ही में इंग्लिश चैनल को तैर करके पार किया है। इस प्रकार से वो इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं। अब बात हुई है इंग्लिश चैनल की, तो दोस्तों इंग्लिश चैनल यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इंग्लिश चैनल, ठीक है। 1958 में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, मेहर सैर, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर कौन बनी है, तो भारतीय एक्ट्रेस आलिया भट्ट को अभी हाल ही में लोरियल पेरिस का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। लोरियल पेरिस एक कॉस्मेटिक ब्रांड है और यह फ्रांस की कंपनी है, तो इसी की ग्लोबल एम्बेसडर बनी है कौन, आलिया भट्ट। देखिए ब्रांड एम्बेसडर की बात हुई है तो कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 3 लोगों को नियुक्त किया गया है, MC मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा। बेलनेस ब्रांड होप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में PB सिंधु को। बिस्लरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आदित्य राय कपूर। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनी है PB सिंधु। और यूनिसेफ भारत का नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है करीना कपूर खान को। अगला क्वेश्चन है, वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वृंदावन ग्राम योजना शुरू की गई है। तो इसका उद्देश्य है ग्राम पंचायतों को आदर्श गांवों में बदलना और इस योजना के माध्यम से गायों की देखभाल भी की जाएगी, ठीक है। तो गांवों को विकसित करने के लिए, उन्हें आदर्श गांव बनाने के लिए वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर मोहन यादव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट जरूर कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन AI 2024 सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है, आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव और अनिल कपूर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी ए और बी दोनों। तो दोस्तों टाइम मैगजीन के द्वारा भी हाल ही में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन AI 2024 की सूची जारी की गई थी, तो इसमें 3 भारतीयों के नाम थे। पहला नाम था अश्विनी वैष्णव का जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, दूसरा नाम है इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी का और तीसरा नाम था अनिल कपूर का। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, इसे नोट कर लें। इस लिस्ट में स्कारलेट जोहानसन, मार्क जुकरबर्ग, सुंदर पिचाई और सत्या नडेला जैसे दिग्गज भी शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, बबीता चौहान किस राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है, आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है, बबीता चौहान। इसके अलावा दोस्तों अपर्णा यादव और चारू चौधरी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के राज्य महिला आयोग में 25 सदस्य भी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना साल 2001 में की गई थी, लेकिन 2004 से इसने अपना कामकाज शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, ITTF फाउंडेशन के पहले भारतीय एम्बेसडर कौन बने हैं, आंसर हो जाएगा शरद कमल। तो भारत के टेबल टेनिस प्लेयर हैं अचंता शरद कमल, तो उन्हें ITTF फाउंडेशन के पहले भारतीय एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ITTF का मतलब है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। अगला क्वेश्चन है, US ओपन 2024 में महिला एकल का टाइटल किसने जीता है, आंसर हो जाएगा एरिना सबालेंका ने। तो दोस्तों US ओपन 2024 की अगर हम बात करें तो पुरुष एकल का खिताब जीता है जेनिक सिनर ने, ये इटली के हैं, और महिला एकल का खिताब जीता है आर्याना सबालेंका ने जो कि बेलारूस की है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें। US ओपन की बात करें तो यह है अमेरिका में आयोजित किया जाने वाला टेनिस का एक टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1881 में हुई थी और महिलाओं के लिए इसकी शुरुआत 1887 में हुई थी। US ओपन का आयोजन हर साल अगस्त सितंबर महीने में किया जाता है और यह न्यूयॉर्क सिटी में आयोजित किया जाता है और यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, 2025 में क्वाड की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी, आंसर हो जाएगा भारत में। तो देखिए क्वाड की 2024 की जो बैठक है ये अमेरिका में आयोजित की गई है और इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी हिस्सा लिया था। अब 2025 की जो क्वाड की बैठक होगी वो भारत में आयोजित की जाएगी। क्वाड में कितने देश शामिल हैं, आपको याद रखना है 4 देश शामिल हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2007 में,
और 2017 में इसकी पुनः स्थापना हुई थी। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो तोहिन कांत पांडे भारत के नए वित्त सचिव बनाए गए हैं। चलिए कुछ और नियुक्तियां जो अभी हाल ही में की गई हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो गोविंद मोहन केंद्रीय गृह सचिव बनाए गए हैं, टीवी सोमनाथन कैबिनेट सचिव, राजेश सिंह रक्षा सचिव, दीप्ति उमाशंकर राष्ट्रपति की सचिव बनाई गई हैं और संदीप पुंडरेक इस्पात मंत्रालय के सचिव बनाए गए हैं। तो ये अभी हाल ही में की गई नियुक्तियां हैं, नोट कर लें इन्हें। 900 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन हैं? तो वो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो 900 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं, जबकि लियोनेल मेसी के नाम 838 गोल हैं, ठीक है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास 900 गोल हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध पुर्तगाल से और मेसी का संबंध अर्जेंटीना से है। तीसरे स्थान पर हैं पेले, इनके नाम 762 गोल थे और पेले का संबंध ब्राजील से था। अगला क्वेश्चन है, एशियाई ओलंपिक परिषद यानी OCA के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है रणधीर सिंह। तो ऐसा पहला मौका है जब कोई भारतीय एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष बना है। बात करते हैं एशियाई ओलंपिक परिषद की यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की। तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय कुवैत सिटी कुवैत में है। इसके द्वारा एशियन गेम्स आयोजित किए जाते हैं। एशियन गेम्स हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। पहले एशियन गेम्स 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। दोस्तों 2022 के जो एशियन गेम्स हुए थे वो चाइना के हांगजू शहर में हुए थे। अब 2026 के जो एशियन गेम्स होंगे वो जापान के एची नागोया शहर में आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है किसने जीता है? आंसर हो जाएगा सीरिया ने। तो दोस्तों सीरिया ने भारत को हरा करके चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल कप अपने नाम कर लिया है। इस चैंपियनशिप में 3 टीमों ने हिस्सा लिया था, भारत, सीरिया और मॉरिशस। तो फाइनल मुकाबला हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया गया था। दोस्तों इस चैंपियनशिप का पहला संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था और इस कप को या इस चैंपियनशिप को नेहरू कप के स्थान पर शुरू किया गया है। इस प्रतियोगिता में मुख्य रूप से 4 टीमें हिस्सा लेती हैं, लेकिन 2024 में 3 टीमों ने ही हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 101वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का जो पड़ोसी देश है नेपाल, वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य अभी हाल ही में बना है। देखिए बात हुई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। तो इस गठबंधन की स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा की गई थी। तो वर्तमान में इसके मेंबर की संख्या 120 से अधिक है और इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं अजय माथुर और इसका हेडक्वार्टर जरूर आपको याद रखना है, ये गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा महाराजगंज में। तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो यह एशियन किंग गिद्ध या लाल सिर वाले गिद्ध प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। इसे 2.8 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और यह 1.5 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सुब्रतो कप अंडर 17 2024 का खिताब किसने जीता है? टीजी इंग्लिश स्कूल मणिपुर ने। तो मणिपुर के टीजी इंग्लिश स्कूल ने 63वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के अंडर 17 लड़कों का खिताब जीता है। सुब्रतो कप नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और यह फुटबॉल से रिलेटेड है, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है कौन? सुब्रतो कप। इस कप में विदेशी टीमें भी हिस्सा लेती हैं। तो 2024 में बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की टीमों ने हिस्सा लिया था और इसमें स्कूल की टीमें हिस्सा लेती हैं। सुब्रतो कप का पहला संस्करण 1960 में आयोजित किया गया था, तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, सीताराम येचुरी किस राजनीतिक दल के महासचिव थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा इसका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। वह 3 बार पार्टी के महासचिव रहे हैं। 2015 में वह पहली बार CPIM के महासचिव बने थे। दोस्तों भारत में CPIM की स्थापना 7 नवंबर 1964 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा ओमान। तो भारत और ओमान की
सेना के बीच में अभी हाल ही में एक अभ्यास आयोजित किया गया है जिसका नाम है अल नजाह। 2024 में इसका आयोजन ओमान के सलालाह में किया गया है। इसका पहला संस्करण 2015 में हुआ था और यह अभ्यास हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। भारत और ओमान के बीच में नसीम अल बहर जो कि एक नौसेना अभ्यास है और ईस्टर्न ब्रिज जो कि एक वायुसेना अभ्यास है, ये अभ्यास भी आयोजित करता है भारत। ओमान की बात करें तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी सीमा सऊदी अरब, यूएई और यमन से लगती है। राजधानी इसकी मस्कट है। सुल्तान है हैतम बिन तारिक और यहाँ के राजकुमार हैं थियाजिन बिन हैतम। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम होगा श्री विजयपुरम। क्या होगा? श्री विजयपुरम। देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? श्री विजयपुरम, यानी कि होगी तो ये पोर्ट ब्लेयर ही, लेकिन पोर्ट ब्लेयर का नाम ही बदल दिया गया है। क्या कर दिया गया है? श्री विजयपुरम। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। वर्तमान में यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं देवेंद्र कुमार जोशी। लोकसभा की यहाँ पर 1 सीट है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा नासिक में। तो नासिक में महाराष्ट्र सरकार एक जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। अगला क्वेश्चन है, मतदाताओं के सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा मैक्सिको। यानी कि अब मतदाताओं के द्वारा न्यायाधीशों का चुनाव भी किया जाएगा मैक्सिको में, और वो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। मैक्सिकन पैसो यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति हैं क्लाडिया सिनवाम और मैक्सिको को 1821 में स्पेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अमरप्रीत सिंह। तो दोस्तों, अमरप्रीत सिंह अब भारतीय वायुसेना अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए, नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी और थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, चेस ओलंपियाड में ओपन टीम कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा भारत। तो देखिए, चेस ओलंपियाड 2024 का आयोजन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में किया गया है और ओपन कैटेगरी और वुमेन कैटेगरी, इन दोनों कैटेगरी में भारत ने गोल्ड मेडल हासिल किया है और 97 साल की हिस्ट्री में भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखें। तो ये वो टीम है जिसने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये ओपन कैटेगरी की टीम है और ये वुमेन कैटेगरी की टीम है। तो इन दोनों ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, अनुराध दिसानायके किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं अनुराध दिसानायके और उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में रानिल विक्रमसिंघे का स्थान लिया है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धिनेपुरा कोट्टे और करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। यहाँ पर आप अनुराध दिसानायके को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? रिया सिंघा ने। तो अभी हाल ही में जयपुर में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया गया था। तो इसमें रिया सिंघा ने पहला स्थान हासिल किया है। रिया सिंघा का संबंध गुजरात के अहमदाबाद से है। अब वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो पहले स्थान पर रिया सिंघा रही हैं, दूसरे स्थान पर प्रांजल प्रिया और तीसरे स्थान पर छवि वर्ग रही हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि भारत की तरफ से कौन कौन मिस यूनिवर्स बनी है। तो 1994 में सुष्मिता सेन, सन 2000 में लारा दत्ता और 2021 में हरनाज संधू भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स बनी थी। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन है, तो वो है सुष्मिता सेन, जो कि 1994 में मिस यूनिवर्स बनी थी। अगला क्वेश्चन है, हरिणी अमर सूर्या किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है कौन? डॉक्टर हरिणी अमर सूर्या। और आपको याद रखना है कि श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्री मावो भंडार नायके। अगला क्वेश्चन है, ब्रुसेल्स डायमंड लीग 2024 के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया है? दूसरा स्थान हासिल किया है। तो भारत के जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने 2024 के डायमंड लीग, जो कि ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया था, उसके फाइनल में दूसरा स्थान हासिल किया है और उन्होंने 87.86 मीटर का भाला फेंक करके दूसरा स्थान हासिल किया था।
देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था 89.45 मीटर का भाला फेंक करके। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के महानिदेशक कौन बने हैं? तो अमृत मोहन प्रसाद SSB के डायरेक्टर जनरल अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। SSB की बात करें तो यह भारत का एक अर्धसैनिक बल है, तो भारत की जो सीमा नेपाल और भूटान से लगती है उसकी रक्षा करना किसका काम होता है? SSB का। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई थी और इसका आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। BSF के महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी, इनकी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। असम राइफल्स के DG हैं विकास लखेड़ा, NSG के DG हैं वी श्रीनिवासन और CISF के DG हैं राजविंदर सिंह भट्टी या RS भट्टी। अगला क्वेश्चन है, तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास 2024 का दूसरा चरण किस राज्य में आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो दोस्तों, भारत में एक वायुसेना अभ्यास आयोजित किया गया है जो कि बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास था, यानी बहुत सारे देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। तो इसका जो दूसरा चरण है ये राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया है। तो जो जोधपुर में आयोजन हुआ था उसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, बांग्लादेश, सिंगापुर और UAE की वायुसेनाएँ शामिल हुई थी। और इसका जो पहला चरण था ये तमिलनाडु के सुलूर में आयोजित किया गया था, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन की वायुसेनाओं ने हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, वंदे मेट्रो ट्रेन का नया नाम क्या रखा गया है? आंसर हो जाएगा नमो भारत रैपिड रेल। तो जिस प्रकार से वंदे भारत ट्रेन चलती हैं उसी प्रकार से वंदे मेट्रो ट्रेन भी शुरू की गई हैं, लेकिन अब इन वंदे मेट्रो ट्रेन को नमो भारत रैपिड रेल के नाम से जाना जाएगा। 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन यानी नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई है और ये ट्रेन चलेगी भुज और अहमदाबाद के बीच में। इसकी स्पीड कितनी होगी? 110 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इसका इंडिया। तो इंडिया ने अभी हाल ही में चाइना में आयोजित किए गए मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। और आपको याद रखना है कि भारत ने चाइना को हरा करके ये खिताब जीता है और तीसरा स्थान पाकिस्तान ने हासिल किया है और इसके जो टॉप स्कोरर रहे हैं वो दक्षिण कोरिया के यांग जी होन रहे हैं, जिन्होंने 9 गोल किए थे। और इस चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन चाइना के हुलनबुइर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा इसका ओडिशा। तो ओडिशा राज्य में एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम है सुभद्रा योजना। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को 5,000 की 2 किस्तों में एक साल में कुल 10,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो इस योजना के लिए पात्र महिलाओं की आयु 21 से 60 वर्ष रखी गई है। देखिए, ओडिशा की बात हुई है तो इसका गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। राजधानी इसकी भुवनेश्वर है। चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी, जिनका संबंध BJP से है। राज्यपाल हैं रघुवर दास। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आंसर हो जाएगा ग्लासगो। तो स्कॉटलैंड का जो ग्लासगो शहर है वो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी करेगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में होना था लेकिन अब स्कॉटलैंड में किया जाएगा। देखिए दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स का जो पहला संस्करण था ये 1930 में कनाडा में आयोजित किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स के सदस्य कितने हैं? 74। और एशिया के अगर हम शहरों की बात करें तो अब तक एशिया के 2 ही ऐसे शहर हैं जहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए गए हैं। 1998 में क्वालालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स और 2010 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा मनु भाकर को। तो दोस्तों, केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने निशानेबाज मनु भाकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मनु भाकर की बात करें तो उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए थे। तो सबसे पहले उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, फिर इसके बाद सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने चंद्रमा से मिट्टी और अन्य नमूने एकत्र करने के लिए किस मिशन को मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाएगा चंद्रयान 4। तो दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी गई है। तो इस मिशन के माध्यम से चंद्रमा की सतह से मिट्टी पृथ्वी पर लाई जाएगी।
अब तक केवल 3 ऐसे देश हैं जो कि चंद्रमा से मिट्टी लाए हैं, तो पहला है अमेरिका, दूसरा है रूस और तीसरा कौन है, चाइना। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ध्रुवी पटेल ने। तो अमेरिका की भारतीय मूल की छात्रा हैं ध्रुवी पटेल, तो उन्होंने अभी हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश बना है? आंसर हो जाएगा जॉर्डन। तो WHO ने अभी हाल ही में जॉर्डन को कुष्ठ रोग से मुक्त देश घोषित किया है। कुष्ठ रोग की बात करें तो यह एक संक्रामक रोग है, इसे लेप्रोसी बोला जाता है और यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु से फैलता है और इसे हैनसेन रोग भी कहा जाता है। इसके कारण हमारे शरीर की जो नसें होती हैं, त्वचा और आँख और जो नाक की परत होती है, ये सभी प्रभावित हो जाते हैं। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, प्रधानमंत्री है जाफर हसन और करेंसी है जॉर्डन दिनार। अगला क्वेश्चन है, दलीप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इंडिया ए ने। तो देखिए, दलीप ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है, इसमें 4 टीमों ने हिस्सा लिया था, इंडिया ए, बी, सी और डी ने। तो इंडिया ए ने इंडिया सी को हरा करके दलीप ट्रॉफी 2024 का टाइटल जीता है। दोस्तों, दलीप ट्रॉफी का जो पहला संस्करण है ये 1961-62 में हुआ था और इसका आयोजन BCCI के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए भारत की किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है? आंसर हो जाएगा इसका लापता लेडीज। तो देखिए दोस्तों, अब 2025 के ऑस्कर अवार्ड प्रदान किए जाएंगे अगले वर्ष, तो उसके लिए भारत की तरफ से जो फिल्म भेजी गई है, यानी भारत सरकार की तरफ से जो फिल्म भेजी गई है, वो भेजी गई है लापता लेडीज। इसकी डायरेक्टर कौन है? किरण राव। ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो यह अमेरिका में प्रदान किए जाने वाले अवार्ड हैं और यह फिल्म इंडस्ट्री के लिए प्रदान किए जाते हैं। इन्हें एकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है और इसकी शुरुआत 16 मई 1929 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा अरुंधति राय ने। तो भारतीय लेखिका हैं और समाज सेवी हैं अरुंधति राय, तो उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है मदर मैरी कम्स टू मी। तो ये 2025 में रिलीज होने वाली है। देखिए, उनके द्वारा 2 प्रमुख उपन्यास लिखे गए हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ठीक है, तो उन्हें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में बुकर प्राइज भी मिला था। अभी 2024 के लिए उन्हें पेन प्रिंटर पुरस्कार भी प्रदान किया गया है ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर किस एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा? तो पुणे एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम जी के नाम पर रखा जाएगा। इस पॉइंट को आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से मंजूरी मिली है? आंसर हो जाएगा संख एयर। तो अब भारत में एक नई एयरलाइन कंपनी आने वाली है जिसका नाम है संख एयर और यह उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन भी बनेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। तो देखिए, वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत तक आर्मेनिया ने भारत से कुल $600 मिलियन के हथियार खरीदे हैं। इस प्रकार से भारत से सबसे अधिक हथियार खरीदने वाला देश कौन बना है? आर्मेनिया बना है। आर्मेनिया जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी इसकी एरेवन है, करेंसी है आर्मेनियाई द्राम, राष्ट्रपति हैं बहागन खाचतुरियन। देखिए, ये है इंडिया और यहाँ पर स्थित है आर्मेनिया। अगला क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा तीसरी। तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोबी संस्थान के द्वारा एशियन पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया है। तो इसमें अमेरिका पहले, दूसरे पर चाइना और तीसरे स्थान पर भारत है। यानी कि इस इंडेक्स में ये बताया गया है कि एशिया महाद्वीप में किस देश का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। ठीक है, इसमें केवल एशिया महाद्वीप के देश शामिल नहीं हैं, पूरे विश्व के देश शामिल हैं। तो एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा प्रभाव रखने वाला देश है अमेरिका, फिर उसके बाद चाइना, फिर भारत, फिर जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा SP धरका। तो SP धरका अब वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं। इस पॉइंट को आप जरूर नोट करें, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन क्या है, 2025 में क्वाड की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर ले, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको सितंबर 2024 के करेंट अफेयर्स की ईबुक मिल जाएगी, इसको लॉन्च कर दिया गया है, तो इस ईबुक को प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ईबुक है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। दोस्तों जैसे ही आप ऐप पर टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और फ्री में मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो इनको प्राप्त करने के लिए ऐप को डाउनलोड करें। ईबुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको करेंट अफेयर्स की ईबुक के अलावा जीके की ईबुक भी मिल जाएगी, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी और इसके अलावा साइंस, इन सब की ईबुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। डेली करेंट अफेयर्स के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। स्टडी करके व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।